अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातहू। लाहौरी जोन में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। लाहौरी जोन जो है वो आपके साथ ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आता है जिसका आपकी रियल ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा दारोमदार जो है वो होता है, या ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता है जिससे आप लोगों को फ्यूचर के अंदर आज नहीं तो कल किसी न किसी ज़िंदगी के मोड़ पर फ़ायदा ही फ़ायदा जो है वो आपको मिलता है। तो इसी कोशिश को या इसी काविश को मद्देनज़र रखते हुए आज आपके सामने हम लोग टैंकी को किस तरह, अगर आपकी टैंकी जो है वो लीक हो जाती है, कहीं ना कहीं से सुराख हो जाता है, या इस तरह की कोई भी मसला आपकी टैंकी के साथ पेश आ जाता है जो कि आप लोग कह लें कि अक्सर घरों के अंदर हमारे पेश जो है वो आता रहता है, तो उसको हम लोग किस तरह हल कर सकते हैं, या आप लोग कह लें किस तरह उस लीकेज को ख़त्म जो है वो हम लोग कर सकते हैं, तो इसका हल क्या है। YouTube के ऊपर आप लोग कह लें कि मैंने भी हज़ारों वीडियोस देखी थी कि किस तरह टैंकी की लीकेज को या किसी भी प्लास्टिक के अंदर कोई लीकेज आ जाए को तो उसको किस तरह ख़त्म किया जा सकता है। तो जितनी भी वीडियोस देखी हैं, किसी के अंदर कहा गया है कि एल्फी लगा लें, किसी के अंदर क्या कहा गया है समद लगा लें, किसी के अंदर कहा गया है कि प्लास्टिक को जनाब गर्म करके उसको लगा लिया जाए, जिस तरह अभी आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं कि एक टैंकी को जोड़ने की मुकम्मल कोशिश जो है वो की गई थी प्लास्टिक के जरिए, यानी कि प्लास्टिक को पिघला कर आप लोग कह लें उसको आग लगाकर उस जगह के ऊपर जहां से टैंकी लीकेज थी वहां पर लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये तमाम चीज़ें आप लोग कह लें कि बेकार हैं, बिल्कुल बेकार हैं। हम लोगों ने ये मुकम्मल कोशिश की थी, तो इसका हल क्या होगा या किस तरह आप लोग कह लें कि किस तरह आप लोग इससे इस लीकेज को ख़त्म कर सकते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ आप लोग कह लें कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हल मौजूद है वो है दो चीज़ों के अंदर। वो आप लोगों का खर्चा होगा 350 रुपये। आप लोग किसी भी हार्डवेयर की दुकान के ऊपर चले जाएं, वहाँ से आप लोगों ने ज़िपॉक्सी जो है उसको आप लोगों ने बाय जो है वो कर लेना है। ज़िपॉक्सी आप लोग कह लें कि दो केमिकल होते हैं, एक वाइट कलर के अंदर आता है और एक येलो कलर के अंदर आता है, ठीक है। ये आप लोग कह लें कि एपॉक्सी ग्लू होती है, इन दोनों ट्यूब्स को या आप लोग कह लें इन दोनों बोतल के अंदर से आप लोगों ने सेम मिकदार के अंदर आप लोगों ने दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप लोगों ने जहाँ पर आपकी टैंकी जो है वो लीकेज है वहाँ पर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा लगा देना है, और उसके बाद उसके ऊपर आप लोगों ने रुई जो है जो तकियों के अंदर से निकलती है, या आप लोग कह लें कॉटन पैड ले लें, ठीक है, वहाँ से जो रुई होती है वो आप लोगों ने इसके ऊपर लगा कर दोबारा आप लोगों ने इसी ट्यूब को जनाब उसके ऊपर दोबारा जो है वो लगा देना है। और इसके अंदर मेन चीज़ है कि 24 घंटे का आप लोगों ने इसको टाइम देना है। 24 घंटे का टाइम देने के बाद आप लोग देखेंगे कि जहाँ पर आप लोगों की लीकेज होगी वहाँ पर आप लोगों की एक ऐसी तह जम जाएगी जो ना धूप से ख़राब होती है, ना आप लोग कह लें पानी से ख़राब होती है, और आपकी जो टैंकी है वो आप लोग कह लें कि बेहतरीन तरीके से वहाँ से कवर अप जो है वो हो जाएगी। तो आप लोग अगर ये दोनों केमिकल जो हैं वो आप लोग अपने घर के अंदर भी लेकर रख लें, क्योंकि ये दोनों केमिकल जो हैं इनको आप लोग मिक्स करके जहाँ भी प्लास्टिक के कोई भी अगर आप लोग की लीकेज घर के अंदर मौजूद है तो आप लोग इसको लगाएंगे तो आप लोग कह सकते हैं कि आपकी वो लीकेज जो है वो हमेशा के लिए आप लोगों की ख़त्म हो जाएगी। जिस जगह पर ये एपॉक्सी एक दफ़ा लग जाती है आप लोग कह लें कि 24 घंटे का आप लोगों को टाइम देना है, तो उसके बाद वहाँ पर लोहा हो जाता है, वहाँ से आप लोगों की लीकेज जो है वो कभी भी दोबारा वहाँ से नहीं होगी, किसी और जगह से हो जाए तो हम लोग उसकी कोई गारंटी जो है वो नहीं दे सकते। तो आप लोगों को मैंने एक आसान सा फार्मूला बता दिया है, ठीक है, एपॉक्सी फ्लोरिंग ज़िपॉक्सी है, एपॉक्सी है अच्छी क्वालिटी की ले लें, थोड़ी महंगी होती है, लेकिन अगर आप लोग इसको एक दफ़ा लेकर अपने घर के अंदर भी रख लेंगे तो आप लोग कह लें कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं। मेरा काम था आप लोगों को अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, ताकि अगर आप लोग ये एपॉक्सी वगैरह कोई लीकेज वगैरह कोई पाइप लीकेज कोई चीज़ भी आपके घरों के अंदर लीकेज वगैरह है तो आप लोग जनाब इससे फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकें। तो इंशाल्लाह इस किस्म की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।